40 स्टूडेंट्स ने किया है। लिंक तो मैंने सेंड कर दिया था ना आपके ग्रुप पे। ओके स्टूडेंट्स, आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा? यस, कल मैंने आपको कहा था कि फ्लिप फ्लॉप पढ़ना पड़ा आपने। क्या होता है फ्लिप फ्लॉप, एनी वन ऑफ यू? यस, प्रीवियस आउटपुट्स। ओके, टाइप्स कौन कौन से बताए मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप के? यस, एनी अदर स्टूडेंट? क्लास में सिर्फ अंकुर ही पढ़ रहा है और कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है? यस, फ्रेंड्स आपको स्क्रीन विजिबल है? सारा हम पढ़ चुके हैं। फ्लिप फ्लॉप का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया था कल, राइट? आज हम करेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर आपके क्या होते हैं? आपको पता है कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो सिर्फ एक ही बिट को स्टोर करता है, या तो जीरो या फिर वन। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक ही बिट को स्टोर करे, जीरो या वन, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल बिट रजिस्टर। लेकिन अगर आपको मोर देन वन बिट अगर आपका डेटा आपको स्टोर करना है तो आपको बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स लगाने पड़ेंगे। तो उन बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को जब हम कंबाइन करके एक सर्किट बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इज ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा। रजिस्टर आपका सिंपली सिर्फ और सिर्फ कोई इसमें आपकी कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग नहीं होती है। रजिस्टर सिंपली आपके सिर्फ आपके बिट्स को स्टोर करने के लिए, आपके बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं, राइट? तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी रजिस्टर की, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगाए हैं, राइट? और आपका डेटा कितने टाइम तक उसके अंदर रिटेन रहता है। रजिस्टर आउटपुट डेटा, रजिस्टर में आउटपुट डेटा इधर इन सीरियल फॉर्म और इन पैरेलल फॉर्म। देखो सीरियल फॉर्म मैंने कल आपको बताया था, सीरियल फॉर्म का मतलब डेटा वन बाय वन आपका इन और आउट होगा। और अगर पैरेलल डेटा की मैं बात करती हूँ तो पैरेलल का मतलब है डेटा आपका पैरेलली इन होगा और पैरेलली आउट होगा। सपोज कि अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपका रजिस्टर जो है सीरियल इन पैरेलल आउट है, तो इट मींस कि आपके रजिस्टर के अंदर डेटा जो है वो वन बाय वन बिट एंटर करेगा, लेकिन जो आउट होगा ना वो एक साथ होगा। तो सीरियल और पैरेलल का मतलब ये होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल एंड पैरेलल फॉर्म हम जो रजिस्टर है उसको हम बेसिकली, तो आपकी फोर टाइप्स हैं, आगे ये दो टाइप्स और होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 आपकी टाइप्स हैं जो आपको पढ़नी है आपके रजिस्टर के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल एंड सीरियल फॉर्म आपका जो शिफ्ट जो आपका रजिस्टर है, देखो ये शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, देखो बेसिकली आप रजिस्टर कह लो चाहे शिफ्ट रजिस्टर कह लो, एक ही बात होती है। शिफ्टिंग का मतलब, शिफ्ट रजिस्टर का मतलब होता है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में डेटा आपका शिफ्ट हो रहा है, राइट? शिफ्ट रजिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। इट हैज इननुमरेबल एप्लीकेशंस। शिफ्ट रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट क्लोजली रिलेटेड टू काउंटर। काउंटर में हम इनका यूज करते हैं। अभी आप इसका नेक्स्ट टॉपिक काउंटर ही पढ़ोगे।
दे आर यूज बेसिकली फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डिजिटल डेटा, जस्ट टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डेटा। हम जो है रजिस्टर्स को यूज करते हैं। रजिस्टर और काउंटर में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जब आप काउंटर्स पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाकी आपका जो काउंटर है, काउंटर आपकी पल्सेस काउंट करने के लिए काम करता है, इसको भी हम फ्लिप फ्लॉप से ही बनाते हैं। जबकि रजिस्टर जो होता है उसकी कोई पर्टिकुलर हम स्टेट नहीं बनाते, कोई सिक्वेंस नहीं बनाते, कोई पल्सेस को ये काउंट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करता है। राइट? इसमें तो देखो, आपकी जो शिफ्टिंग होती है आपके रजिस्टर में बिट्स की, वो राइट शिफ्टिंग भी हो सकती है, लेफ्ट शिफ्टिंग भी हो सकती है। जैसे देखो, ये आपके बिट्स की लेफ्ट शिफ्टिंग है टूवर्ड्स योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये आउट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आपकी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स जो भी बिट आपने यहाँ से एंटर करानी है वो यहाँ पे नहीं चली जाएगी, इधर में यहाँ से एंटर कराओगे बिट को। ये सब आप डायग्राम से समझ जाओगे जब हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज, सिंपली आपका रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, राइट पैरेलल इन पैरेलल आउट दिखा रखा है, या डायग्राम से ही समझ जाओगे। अभी ये डी फ्लिप फ्लॉप का कहाँ बता रखा है, ये रहा भाई। देखो, ये आपका है फ्लिप फ्लॉप एज ए स्टोरेज एलिमेंट। तो देखो, व्हाई वी यूज डी फ्लिप फ्लॉप टू कंस्ट्रक्ट योर रजिस्टर। डी फ्लिप फ्लॉप में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप जीरो इनपुट दोगे तो जीरो आउटपुट आएगी, वन दोगे तो वन आउटपुट आएगी। तो हमें जो भी इनपुट हम दे रहे हैं वही हमें स्टोर करानी होती है आपके रजिस्टर के अंदर। तो रजिस्टर में जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे वो डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले जो टाइप है इसकी, दैट इज सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब डेटा सीरियली वन बाय वन बिट एंटर होगा, वन बाय वन बिट ही आउट होगा। सीरियल सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट, डेटा सीरियली इन होगा लेकिन डेटा पैरेलली एक साथ ही आउट होगा। पैरेलल इन सीरियल आउट, डेटा पैरेलली एंटर होगा, सीरियली आउट होगा। और पैरेलल इन पैरेलल आउट, इसमें आपका डेटा पैरेलली ही हम स्टोर कराएंगे, इनपुट करेंगे, और पैरेलली ही हम सॉरी पैरेलली ही हम आउट करेंगे। राइट? और बाइडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर आपका होता है जब आपके दोनों दोनों फंक्शंस पॉसिबल हैं एक ही रजिस्टर में। मींस पैरेलल फंक्शन भी अवेलेबल है और सीरियल फंक्शन भी अवेलेबल है। और यूनिवर्सल डेटा के अंदर हम लेफ्ट भी रोटेट करा सकते हैं और राइट भी। ये सब आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ोगे, जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है अभी। देखो, फर्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर सीसो रजिस्टर, मीन्स सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। और इसमें भी कौन सा टाइप, शिफ्ट लेफ्ट या फिर इसमें आपका हो सकता है शिफ्ट राइट। लेफ्ट का मतलब क्या है कि टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट आपकी बिट्स जो है वो मूव करेंगी। कैसे? यहां पर हमने जो केस कंसीडर किया है, एग्जांपल जो लिया है वो हमने लिया है 4 बिट रजिस्टर का। तो स्टूडेंट्स, 4 बिट स्टोर कराने तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? 4। तो देखो, हमने यहाँ पे 4D फ्लिप फ्लॉप लगा लिया, आपको दिख रहा है? यस मैम, यस। यहाँ से हमने डेटा को इन कराया है, कोई भी हमारी बिट है उसको वन बाय वन बिट हमें इन कराना है, बिकॉज दिस इज सीरियल डेटा इनपुट। तो यहाँ से हमने बिट को इन कराया।
तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगी, दिस इज योर क्लॉक पल्स, क्योंकि ये आपके सिंक्रोनस सर्किट्स हैं, तो आप हर एक में क्लॉक पल्स लगाओगे और क्लॉक पल्स का हमेशा ये सिंबल होता है। बबल साथ में एक ट्रायंगल, तो आपकी जो क्लॉक है वो साइमल्टेनियसली हर एक फ्लिप फ्लॉप में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सारे सर्किट साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो देखो डी फ्लिप फ्लॉप है आपका, तो आपके जो ये क्लॉक हमने जो सिंबल लगाया हुआ है ना, ये आपका है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब ये है कि जब आपकी क्लॉक 1 से 0 पे जाएगी तब आपको आउटपुट मिलेगी, उससे पहले आउटपुट मिलेगी नहीं, प्रीवियस आउटपुट ही रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां से आपने सपोज करो कि आपने 0 एंटर कराया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट, 0। फिर ये 0 एज ए इनपुट जाएगा, यहां पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। आप यहाँ पे इकट्ठी बिट ले लो, सपोज हमारे पास 3 बिट है, 1 0 1 0, ये नंबर है हमारे पास 4 बिट का, ये हमें एंटर कराना है। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगी, 0। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगी, 0। फिर आपने 1 एंटर कराया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। मीन्स जो भी इनपुट आप ट्रांसफर कराओगे वो इनपुट आपकी चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं, सपोज हमारे पास हमें 4 बिट स्टोर करानी है, हमने 4 बिट नंबर ले लिए आपके Q0, ये आउटपुट है आपके डेटा आपके रजिस्टर की, Q0, Q1, Q2 और Q3 ये हैं आपके, ये Q0, Q1, Q2 और Q3, दिस इज द आउटपुट ऑफ योर 4 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, इनिशियली हमने 0 0 0 करके सेट कर लिया। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया है उसमें इनपुट डेटा को हमने लिया है 1 1 1 1। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, यहाँ पे डाउन एरो क्यों लगा हुआ है, कोई बता सकता है क्लॉक पल्स पे, क्योंकि आपकी जो क्लॉक है वो नेगेटिव ट्रिगर, आपका जो सर्किट है वो नेगेटिव ट्रिगर है। जब क्लॉक 1 से 0 पे जाएगी तब सर्किट में आउटपुट आएगी, अदरवाइज सर्किट में आउटपुट नहीं आएगी, राइट। अब आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, हमारे हमको एंटर कराना है 1 1 1 और 1, हमें ये 4 बिट्स हमें स्टोर करानी है आपके रजिस्टर में, वो भी सीरियली इन करके, बिट बाय बिट इन करके और बिट बाय बिट आउट करके, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने 1 दिया आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, यहाँ पे हमने दिया 1। ठीक है, तो आपका ये वाली इनिशियली 0 थी, ये वाली आउटपुट भी 0 थी, ये वाली आउटपुट भी 0 थी और ये वाली आउटपुट भी 0 थी। क्लॉक जैसे ही आपकी 1 से 0 पे जाएगी आपके सारे सर्किट ट्रिगर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ऑन हो जाएंगे मीन्स। तो जब सारे सर्किट साइमल्टेनियसली ऑन होंगे तो यहां पर हम 1 दे रहे हैं, तो ये 1 आपका कहां जाएगा, यहाँ आउटपुट में आ जाएगा। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर आउटपुट में क्या 1 जाएगा इनपुट में एज ए इनपुट, नो, यहाँ पर तो पहले 0 था ना, तो ये साइमल्टेनियसली सर्किट काम कर रहे हैं सारे, तो ये 0 ही इसकी इनपुट में जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी ना। सेकंड वाले डी फ्लॉप में, यस, सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप में पहले 0 थी इनपुट, D1 इनपुट है ना इसकी, तो ये 1 क्यों नहीं गई, ये 1 को इसने रिस्पोंड क्यों नहीं किया, यहाँ पे जो आउटपुट आई थी 1, इसको उसने रिस्पोंड क्यों नहीं किया, बिकॉज ये सारे सर्किट जो है साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर रहे हैं, कब, जब आपकी क्लॉक 1 से 0 पे जा रही है, तो 1 से 0 पे जाएगी जब आपकी क्लॉक, तो ये 1 को ले लेगा एज ए इनपुट,
ये जीरो को ले लेगा एज ए इनपुट, मतलब जो करंट इनपुट इनके पास है वही जाएगी अंदर, जो करंट आउटपुट आएगी वो नहीं जाएगी एज ए इनपुट। ये पॉइंट क्लियर है, इसीलिए हमने क्लॉक लगा रखी है। तो मैम 1010 आएगा फिर, तो आपकी आउटपुट आएगी यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। फिर आपने आपके पास 1 1 1 और 1 था, 1 तो हमने एंटर कर दिया, अब एक और 1 हमने एंटर किया नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, तो वो 1 जब एंटर होगा आपका तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, 1। अब ये वाला 1 जाएगा एज ए इनपुट यहाँ पर, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी 1। ये वाला 0 जाएगा यहाँ पर एज ए इनपुट, तो यहाँ पर आउटपुट आएगी 0। ये वाली 0 जाएगी एज ए इनपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगी 0। और ये वाला यहाँ पर जो लास्ट में 0 है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1 1 0 0, देखो ऐसे ही। ये वाला जब एंटर होगा तो ये क्यू नॉट 1 होगी, फिर सेकंड 1 जब एंटर होगा तो ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर थर्ड वाला 1 जब एंटर होगा तो ये वाला 1 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला जब 1 आएगा तो ये वाला 1 यहीं रहेगा, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स 4 क्लॉक, आफ्टर 4 क्लॉक पल्स हमारे पास जो आउटपुट होगी ना वो चारों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 1 1 1 होगी। आप कोई भी केस ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 1 1 1 ही लो, आप इसमें ले सकते हो 1 0 1 0, कोई भी 4 बिट का कॉम्बिनेशन, फ्रॉम 0 to 15 16 कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। देखो आपको यही, आपको सिर्फ यही कंफ्यूजन है कि यहाँ पर जैसे हमने 1 किया, ठीक है, तो ये वाला 1 यहाँ पर एज ए इनपुट क्यों नहीं गया, राइट? मतलब यहाँ 1 1 0 0 आ रहा है ना। देखो इनिशियली जो है इसकी इनपुट भी 0 थी, इसकी इनपुट भी 0 थी, इसकी इनपुट भी 0 थी, और इसकी इनपुट भी 0 थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 एंटर कराया, तो नेगेटिव क्लॉक पल्स जब आएगी, जब क्लॉक पल्स आपकी 1 से 0 पे जाएगी, तो उस टाइम पर ये वाला फ्लिप फ्लॉप के पास क्या इनपुट है बताओ, 1 है ना, तो ये 1 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आउटपुट में। उस टाइम पर जब हमने क्लॉक दी थी 1 से 0 पे क्लॉक गई थी नेगेटिव पल्स पे, तो इस फ्लिप फ्लॉप के पास क्या इनपुट है, 0 थी ना। यस मैम, ये तो ड्यूरिंग नेगेटिव पल्स आई है ना, ये थोड़ी लेगा इसको इनपुट, ये तो इसी को ले लेगा इनपुट। सिमिलरली ये वाला फ्लिप फ्लॉप इसको इनपुट ले लेगा, सिमिलरली ये वाला फ्लिप फ्लॉप इसको इनपुट ले लेगा, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 0 0 0, है ना। ऐसे ही आपने सेकंड इनपुट दी सेकंड क्लॉक पल्स पे, जब सेकंड इनपुट आपने 1 दी तो यहाँ पर आपकी ये वाली आउटपुट एज ए इनपुट कनेक्टेड है, तो अब यहाँ से क्या जाएगा, 1 जाएगा ना, पहले वाला 1, यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से भी 0 जाएगा। अब क्लियर है स्टूडेंट्स, एक क्लॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे ही आउटपुट आई वो इनपुट उसने ले ली, नहीं, जो प्रीवियस आउटपुट है वो आपकी इनपुट जाएगी इसमें। और देखो डेटा यहाँ से आउट हो रहा है, तो पहले यहाँ से 0 आउट हुआ, फिर 0 आउट हुआ, फिर 0 आउट हुआ, फिर आपने जब 1 स्टार्ट किया करना तो 1 आपका पहले यहाँ शिफ्ट होगा, फिर 1 यहाँ शिफ्ट होगा, फिर 1 यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब बिट बाय बिट जो बिट आपने 4 नंबर ऑफ वंस जो आपने एंटर किए थे वो बिट बाय बिट ही आपके आउट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. अब ये जो बिट की जो शिफ्टिंग है, अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो कहां से कहां हो रही है, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है ना, Q3 आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है। लेकिन अगर हमें टूवर्ड्स राइट शिफ्टिंग करनी हो तब हम क्या करेंगे, देखो आप मुझे ये बताओ कि इस सर्किट में और जो लेफ्ट शिफ्ट का सर्किट बनाया था उसमें क्या डिफरेंस है, ये देखो एक बारी। हम उल्टे ले रहे हैं अब मैम, अब जीरो अब जीरो राइट से स्टार्ट हो रहा है।
यस सिंपली आपका एक ही डिफरेंस है, यहां पर आपने डी नोट क्यू नोट जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसको उसकी तरफ से आप डेटा को इन कर रहे थे। यहां पर सिंपली आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेंज कर दिया। क्यू नोट से आप जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला फ्लिप फ्लॉप था वहां से आप आउट ले रहे हो, और यहां से आपका कहां शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू योर लोअर सिग्निफिकेंट बिट। ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? वर्किंग सेम है, सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन चेंज कर दी हमने। यहां पे पहले क्यू नॉट था यानी कि फ्लिप फ्लॉप जीरो था, और यहां पर पहले फ्लिप फ्लॉप थ्री था, इनको इंटरचेंज कर दिया। तो अगर आप इसकी आउटपुट को चेक करोगे किसी भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए तो यू विल सी कि आपका जो है क्या हो रहा है, आपका डेटा जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ आ रहा है। स्टूडेंट्स ये क्लियर है? Yes, ma'am. देखो ये क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको वेव फॉर्म्स भी आनी चाहिए। देखो ये हमने सिंपली क्लॉक बनाई है ऐसे, तो ये क्लॉक का नेगेटिव ट्रिगर्ड है जब क्लॉक वन से जीरो पे आ रहा है, ये क्लॉक का नेगेटिव ट्रिगर्ड है जब क्लॉक वन से जीरो पे आ रहा है, ये भी नेगेटिव ट्रिगर्ड है और ये भी नेगेटिव ट्रिगर्ड है जब क्लॉक का। तो सर्किट क्लॉक के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। सबसे पहले हमने डेटा को एंटर किया क्यू थ्री में, तो Q3 अपनी स्टेट Q3 जीरो स्टेट में है, जीरो आउटपुट है। वन आउटपुट कब होगी इसकी? जब आपका नेगेटिव ट्रिगर्ड आएगा, बाकी थ्रू आउट ये जीरो रहेगा। सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट वन कब होगी? जब सेकंड क्लॉक पल्स का नेगेटिव ट्रिगर्ड आएगा। थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट वन कब होगी? जब थर्ड क्लॉक का नेगेटिव ट्रिगर्ड आएगा। और फोर्थ जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट वन कब होगी? जब फोर्थ क्लॉक पल्स में नेगेटिव ट्रिगर आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स ये? अब जो सेकंड आपका टाइप है दैट इज सीरियल इन पैरेलल आउट, डेटा सीरियली इन तो कर रहा है बट यहां से देखो इन रजिस्टर्स में क्या था। अच्छा आप मुझे बताओ सीरियल इन पैरेलल आउट और सीरियल इन सीरियल आउट के जो डायग्राम है उसमें क्या डिफरेंस है? ये भी 4 बिट रजिस्टर है आपका, वहां पे सिर्फ एक ही आउटपुट टर्मिनल था, आपने देखा था यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्मिनल था सीरियल इन सीरियल आउट में, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्मिनल था आउटपुट के लिए, है ना? यस मैम। बट यहाँ पे हर एक के साथ आपने आउटपुट कनेक्ट कर रखी है। इट मीन्स कि 1 by 1 बिट डेटा एंटर हो जाएगा, वन जैसे सपोज 111 हमने एंटर कराना है तो आपको आउटपुट जो है वो पैरेलल ही मिलेगी लास्ट में, बिट बाय बिट आउट नहीं होगी, पैरेलल आपको आउटपुट मिलेगी। तो मतलब इसकी ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत तो नहीं हो, तो सेम ट्रुथ टेबल तो सेम ही आएगी, बस कनेक्शन आपने डिफरेंस डिफरेंट किया हुआ है, राइट? वहां से हम एक ही फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट ले पा रहे थे, यहां से हम हर एक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है उनको हमने आउटपुट लाइन से कनेक्ट किया होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो ये है पैरेलल इन पैरेलल आउट, मतलब सेम डायग्राम है, सेम हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, सेम क्लॉक यूज की है, बट इसमें डेटा को पैरेलली आउट तो हम कर ही रहे हैं पहले की तरह, डेटा एंटर भी पैरेलली होगा। यानी कि सपोज यस 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 यही तो यही इसमें डिफरेंस है कि आपका देखो ये वाला टर्मिनल जो है ना यहां से कनेक्टेड नहीं है, हर एक फ्लिप फ्लॉप इंडिविजुअली काम कर रहा है, लेकिन ऑन द नेगेटिव क्लॉक पल्स।
जब भी क्लॉक पल्स 1 से 0 पे आएगी डेटा फटाफट से इन हो जाएगा और हमें हमारी आउटपुट मिल जाएगी। सपोज आपने 1 1 1 1 इन सब में डेटा को पैरेलली एंटर कर दिया और पैरेलली ही आपको आउटपुट मिल जाएगी 1 1 1 और 1। इसमें कोई भी डिले नहीं होता है आपकी आउटपुट में, तो हम इसको ही प्रेफर करते हैं मोस्टली यूज करने में, राइट? अब देखो डेटा पैरेलल इन हो रहा है बट सीरियली आउट हो रहा है। तो देखो जब डेटा आपका पैरेलली हम इन करते हैं तो डेटा आपका साइमल्टेनियसली पैरेलली आउट हो जाता है, लेकिन अगर हमें सीरियली पैरेलली इन कराना है और हम चाहते हैं कि आउटपुट बिट बाय बिट मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि देखो डेटा जब आप पैरेलली इन कराओगे तो सबकी आउटपुट तो साइमल्टेनियसली आ जाएगी ना, तो उसके लिए जो आपका सर्किट है वो ये होता है। देखो इसमें हमने क्या किया है, इसमें आपके जो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनकी हमने ये जो आउटपुट है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, वो उसके लिए हमने 2 NAND गेट्स लगा रखे हैं और साथ में ये कि और गेट लगा रखा है, साथ में ये शिफ्ट और लोड का एक हमने इनपुट लाइन दे रखी है। यहाँ पर डेटा को हमें पैरेलली इन कराना है बट हम चाहते हैं कि आउटपुट 1 बाय 1 यहां से आउट हो, तो ये सर्किट आपका कैसे काम करेगा? आप सपोज करो कि शिफ्ट और लोड लाइन जो है वो आपकी लो है, यानी कि 0 है। तो शिफ्ट और लोड लोड के ऊपर बार है, अगर ये 0 होगी इट मींस लोडिंग होगी, अगर ये हाई होगी तो शिफ्टिंग होगी। तो लोडिंग का मतलब इनपुट लोड कराना है हमें, तो इनपुट लोड कराने के लिए एंटर कराने के लिए आपका जो ये वाला सिग्नल है ये आपका 0 होना चाहिए, ठीक है? अगर ये 0 होगा तो आगे यहाँ वाली ये वाली लाइन तो 1 हो जाएगी और ये वाली लाइन 0, क्योंकि नॉट गेट लगा रखा है। ये क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? अब ये 1 कहाँ कहाँ जा रहा है? इस वाले एंड गेट में, इस वाले एंड गेट में और इस वाले एंड गेट में। अब इस वाले, एक मिनट मैं पहले इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ। देखो यहां पर आपका ये सिग्नल 0 है, इट मींस यहाँ पे नॉट है तो ये 1 बन जाएगा। तो इस गेट से ये वाला सिग्नल कनेक्टेड है, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। ये वाला 0 लाइन इससे कनेक्टेड है, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि एंड गेट है, अगर एंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। इट मींस ये वाला डिसेबल हो गया, ये वाला एंड गेट डिसेबल हो गया और ये वाला एंड गेट डिसेबल हो गया। G1, G2 और G3 वाले एंड गेट आपके ऑन होंगे, ठीक है? यानी कि यहां पर आउटपुट आएगी 1। और अगर और गेट की एक भी आउटपुट 1 हो तो आउटपुट 1 ही आती है ना, तो ये भी होगी 1, ये भी हो गई 1 और ये भी हो गई 1। सपोज हमने यहाँ पे डेटा एंटर कराना है 1 1 1 और 1, तो देखो आपकी सारी यहाँ पे तो 1 चला ही गया, तो देखो आपके सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट पे क्या है, जल्दी बताओ। 1 है और हमें 1, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1 1 और 1 1 का। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 1 1 1 ही हो, कोई भी कॉम्बिनेशन 4 बिट का। तो देखो आपका डेटा पैरेलली लोड हो गया है आपके रजिस्टर्स में, इनपुट हो गया है 1 1 1 1 1। क्लियर है ये? Yes, ma'am. ओके। अब जो डेटा आपका एंटर हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि वो डेटा सीरियली आउट हो, सीरियली आउट होने के लिए आपका जो शिफ्ट और लोड लाइन है दैट मस्ट बी हाई।
देखो अब ये लाइन जो है ये आपकी हाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे जीरो जाएगा, नीचे वाली लाइन में वन जाएगा, मीन्स G1, G2 और G3 ये आपके जीरो है, इनकी एक इनपुट तो ये काम नहीं करेंगे, G4, G5 और G6 काम करेंगे, ठीक है। अब G4, G5, G6 में एक एक इनपुट तो हो गई वन, हो गई। दूसरी इनपुट देखो, दूसरी इनपुट हमने यहां पर वन लोड करा दिया था, तो दूसरी इनपुट क्या होगी यहां पे वन, यहां पर भी दूसरी इनपुट क्या होगी वन, यहां पे भी दूसरी इनपुट होगी क्या होगी वन, तो यहां पर जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी वन, और यहां पर भी आपकी आउटपुट आपको क्या मिलेगी वन। ऐसे ही जो भी इनपुट्स यहाँ पे एंटर हुई है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आउटपुट मिल जाएगी। सपोज करो कि यहाँ पे हमें 1011 एंटर कराया था, मींस ये जीरो आपका कहाँ से कहाँ एंटर होगा, यहां से यहाँ एंटर होगा, यहाँ पे फिर जीरो आ जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस सर्किट को कंक्लूड करूं तो इस सर्किट में आपका G1, G2, G3 सर्किट्स जो हैं, गेट्स जो हैं, वो इनपुट डेटा को पैरेलली इनपुट कराने के लिए काम आ रहे हैं, और G6, G4, G5, G6 जो हैं वो आपके डेटा को सीरियली आउट कराने के लिए काम आ रहे हैं। अभी क्लियर है स्टूडेंट्स ये सर्किट आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। जो चीज मैंने आपको बताई है ना वो यहाँ पे लिखी भी हुई है। बताओ स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन है, आप इसमें अपनी तरफ से ही एग्जांपल लेके चलना। सपोज हमने यहाँ पे 1001 एंटर कराना है, तब वो कैसे एंटर होगा, जब आपका ये सर्किट जो है जीरो होगा, ये वाली लाइन, तो डेटा आपका एंटर हो जाएगा। जब ये लाइन वन होगी तो डेटा आपका सीरियली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 1x1 बिट करके आउट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब है आपके पास 4-bit bidirectional shift register। bidirectional का मतलब जैसे हम अभी तो हमने अलग अलग सर्किट पढ़े हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का, बट हम एक ही सर्किट के अंदर लेफ्ट और राइट शिफ्ट अगर कर पाए तो दैट इज कॉल्ड योर bidirectional shift register। जैसे दिस वन, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सर्किट विच बिहेव्स बोथ हैज लेफ्ट शिफ्ट, we can do left shifting as well as right shifting। तो इसके देखो जो सर्किट अभी पीछे आपने पढ़ा है, सिमिलर सर्किट है, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am। तो इसमें हमने क्लियर सिग्नल लगाया है। क्लियर सिग्नल का क्या फंक्शन बताया था मैंने आपको जेके फ्लिप फ्लॉप में? बताओ, क्लियर CLR, क्लियर इनपुट मैंने आपको बताई थी आपके फ्लिप फ्लॉप्स में, क्या फंक्शन बताया था क्लियर का? रीसेट करने के लिए। तो आप इनिशियली इस क्लियर सिग्नल को एक्टिव लो होता है तो जीरो कर दोगे, तो सारे फ्लिप फ्लॉप्स की जो इनिशियली आउटपुट है वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सर्किट जो अभी पीछे हमने सर्किट पढ़ा ना, बिल्कुल सेम सर्किट है, बिल्कुल सेम जो हमने ये वाला सर्किट पढ़ा है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें डेटा सीरियली इन हो रहा है, तो एक सेकेंड, और कोई डिफरेंस नहीं है, ये कनेक्टेड है इससे, ये वाले कनेक्टेड है इससे, ठीक है। दोबारा बताओ क्या डिफरेंस बता रहे हो? हम्म,
हाँ क्योंकि उसमें तो डेटा पैरेलल ही हो रहा था ना, इसमें डेटा पैरेलल ही नहीं हो रहा, सीरियल ही हो रहा है वन बाय वन। तो इसमें आपका सिर्फ एक डिफरेंस तो आपका ये है कि ये वाला गेट जो है आपका वो सेकंड वाले की आउटपुट से कनेक्टेड है ना, ऐसे ही थर्ड वाले की आउटपुट से ये वाला गेट कनेक्टेड है, ये वाला इसके इससे कनेक्टेड है, राइट। तो डेटा आपका जो है वो यहाँ से आउट होता है, इसमें इसमें आउटपुट की लाइन नहीं दिखा रखी है आपको। तो सिंपली अगर आप अपना डेटा वन बाय वन डेटा यहाँ से इन करोगे इस वाले पॉइंट से, तो डेटा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से राइट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ एंटर करेगा, शिफ्ट करेगा। और अगर डेटा को आप यहाँ से इन ना करा करके यहाँ से इन कराओगे ना, तो आपका जो डेटा है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ शिफ्ट करेगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टू टाइप्स बताई थी। आप चाहो तो आप इसमें करके भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं करूँगी तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप इसको आराम से बैठ के करना, जब आपका जीरो होगी ये लाइन तो यहाँ पर आपकी लोडिंग होगी, इनपुट आप दे सकते हो, जब वन होगी तो आपका डेटा जो है वो वन बाय वन टूवर्ड्स लेफ्ट या टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेगा। फंक्शन सबका सेम है, आपको सर्किट डायग्राम याद करना है, ट्रुथ टेबल सबकी सेम बनेगी, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम है कि जो भी बिट आप एंटर कराओगे वही बिट आपकी स्टोर होगी, राइट। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर M1 होगा तो कौन कौन से गेट डिसेबल होंगे और एबल होंगे, अनेबल होंगे, ठीक है। अब है हमारे पास 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, तो उसे हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, बाईडायरेक्शनल, जिसमें बोथ डायरेक्शन में हम डेटा को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ द रजिस्टर हैज बोथ शिफ्टिंग एंड पैरेलल लोडिंग कैपेबिलिटी, मींस हम इसमें डेटा को पैरेलली भी लोड कर सकते हैं और सीरियली भी डेटा को लोड कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। सो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर आपका क्या हो गया, इज ए रजिस्टर वो जिसके अंदर बाईडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर भी है और जिसकी आउटपुट को हम सीरियल फॉर्म में भी और पैरेलल फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम है आपके यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का, जिसके अंदर आपने ये सर्किट एड ऑन किया, ये सर्किट एड ऑन किया है और यहाँ पर टू गेट्स लगाए हैं, टू नॉट गेट्स। किसलिए लगाए हैं, ताकि आपका एक टाइम पे एक ही बार ये जीरो या वन में से किसी एक पर ही एक्टिव रहे। और देखा देखो डेटा आपका पैरेलली आउट हो रहा है, दिख रहा है आपको, डेटा आपका यहाँ से पैरेलली इन भी हो रहा है। डेटा को आप सीरियली इन भी करा सकते हो फ्रॉम दिस एंड दिस। देखो इतना इतना सर्किट जो है ना, ये तो आपका सेम है, ये वाला नॉट गेट और ये वाला सर्किट एक्स्ट्रा लगाया है, प्लस ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए हैं डी फ्लिप फ्लॉप की जगह, तो इसकी जो आउटपुट जा रही है ना यहां से इस वाले गेट की, वो यहां पर तो सिंपल जा रही है और एस में आपकी नॉट गेट लगा रखा है हमने, मींस इनपुट आपकी जीरो होगी या वन होगी या वन होगी या जीरो होगी। देखो जब ये मोड कंट्रोल वन होगा तो ये टेंथ वाला एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये सर्किट आपका एक्टिव होगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, तो ये आपका इनएक्टिव रहेंगे, ये वाले एक्टिव गेट एक्टिव रहेंगे, राइट। तो डेटा आपका एक साथ पैरेलली इन हो जाएगा और जब ये आपका जीरो होगा तो डेटा आपका पैरेलली आउट हो जाएगा, राइट। तो ये सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए बस, इनकी एप्लीकेशंस क्या हो गई,
डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर कराने के लिए एज ए डिले लाइन. डिले लाइन का मतलब जैसे हमने डेटा को स्टोर करा दिया और हमें कुछ टाइम के बाद वो चाहिए यूज करना है आउटपुट में. पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करना हो, सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करना हो. रिंग काउंटर अभी हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे उसमें भी हमने इसी को यूज किया है, और ट्विस्टेड रिंग काउंटर में भी हम इसी का यूज करेंगे रजिस्टर का ही. देन हम कल पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में काउंटर, एंड आई थिंक काउंटर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेकेंड यूनिट. स्टूडेंट्स आपके अदर सब्जेक्ट्स में खत्म हो गई है दो यूनिट? ओके, आई थिंक आपके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकते हैं सेशनल. हम एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे वो तो, जैसे पहले हुए थे हमारे. हां होते तो यही है, बट अभी आपके सर की वो आएगी मेरे पास, जो भी गाइडलाइन आएगी अकॉर्डिंग टू दैट. अभी तक आपके एमसीक्यू बेस्ड ही हुए हैं. लास्ट टू लास्ट टाइम तो मिक्स हुए थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, एंड लास्ट टाइम आपके प्योरली सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ही हुआ था. अब दिस टाइम देखते हैं सर क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं. राइट, आप लोगों ने अटेंडेंस ले ली है? यस मैम. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आप लोग लीव कर सकते हो.